तो ये अपना मेन फार्म, जो फार्म मैंने सबसे पहले फार्मिंग सिमुलेटर में स्टार्ट किया था, और आज मैं काफी टाइम बाद इस फार्म पे आ रहा हूँ। इससे 2 महीने से तो मैंने इस फार्म को देखा भी नहीं है। उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ियाँ वगैरह चला के देखी थी, और वो गाड़ियाँ मैंने पार्क कहाँ कर रखी है यही मुझे ध्यान नहीं है। यहाँ पे अपने पास एक लैम्बोर्गिनी और एक फरारी और थी, और वो शायद कहीं मैंने किसी खेत में छोड़ रखी है। उसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ काफी सारी थी जो मैं अपने शायद खेत पे लेके चला गया था। तो आज सब गाड़ियों को सही से अरेंज करना है, और यहाँ पे काफी सारी नई गाड़ियाँ परचेज भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस तो काफ़ी अच्छा खासा है, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ नई शोरूम पे अवेलेबल हो चुकी हैं, और ट्रैक्टर्स की भी यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है। और वैसे यहाँ से ज़्यादातर सारी गाड़ियाँ मैंने इधर उधर पार्क कर रखी हैं, वो भी आज देखनी पड़ेगी। और इस वाले फार्म पे जाके देखता हूँ कि अपने एनिमल्स की हालत क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखा तो उन्हें है नहीं। वैसे तो ठीक ही होंगे, खाना वगैरह मैंने सब कुछ डाला हुआ था उन्हें। और यहाँ पे मेरे पास काओ तो काफ़ी सारी हैं, और काओ तो सब मेरे को हेल्दी लग रही हैं। काओस का तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, काओस के लिए मैंने खाना काफ़ी सारा ला के डाल दिया था। और यहाँ पे फीडिंग रोबोट जो है ऑटोमेटिकली इनमें खाना ला के डाल देता है। एक बार इधर खाना देख भी लेता हूँ। हाँ, अभी भी बचा हुआ है तो यहाँ पे तो सफिशेंट है। इसके अलावा 3 ऐसे ही काओबान मेरे पास और भी हैं, वो रोड के दूसरी साइड है, वहाँ पे भी खाना सफिशेंट है, वहाँ पे भी डाल दिया था। और इधर अपने हॉर्स हैं, और यहाँ पे एक चिकन कूप है उस साइड, वो चिकन कूप भी देख लेता हूँ। हॉर्स बान में भी खाना प्रॉपर है, और इधर जो है चिकन कूप में भी है, चिकन्स भी ठीक है। तो इधर हनी बीज का भी है, इसको तो मैं भूल ही गया था, इसको देख लेता हूँ एक बार। और यहाँ पे वैसे हनी के पैलेट्स वगैरह अभी आए हैं या नहीं आए, ये एक ही बॉक्स आया है हनी का, और ये हनी बीज वगैरह तो यहाँ काफ़ी सारे घूम रही हैं। तो एक बार यहाँ से एक गाड़ी ले लेता हूँ, यहाँ पे अपनी SUVs खड़ी हुई हैं, और इधर भी वैसे 2-3 SUV और थी। आज ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ, इसे निकाल लेता हूँ बाहर। अब एक बार थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ, और वैसे यहाँ पे हमर भी खड़े हुए हैं, इस हमर को भी ले सकता हूँ। और ये एक गाड़ी तो अपने यहाँ पलटी हुई है, ये पुराने वाली गाड़ी थी जो मैंने कबाड़ से बनवाई थी, तो इसे सीधा करने के लिए इस वाली गाड़ी से थोड़ा टक्कर मार के देखता हूँ। नहीं, इससे नहीं होएगी, कोई ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, कोई ट्रैक्टर ला के उसे सीधा कर लूँगा इसे। और यहाँ पर अपना पिक्स का बान है, एक मिनट इन्हें भी देख लूँ, इनको शायद मैंने खाना नहीं डाला है, तो इसका खाना डालने वाला शायद दूसरी साइड है। और इधर भी अच्छा मैंने एक और लगाया था यहाँ पे मुर्गियों के लिए, और पिक्स का खाना डालने का इस साइड था, उधर शीप्स का था। तो पिक्स का खाना वैसे यहाँ पे इधर से पता चल जाएगा, ये खुलता नहीं है क्या इसका, ये खुल नहीं रहा, इसको मैं बाद में चेक कर लूँगा। और इधर शीप्स का है, तो शीप्स का भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को पिक बान और शीप बान दोनों दिख जाएगा, ये पिक्स का है, पिक्स के में खाना ख़त्म है तो इनको भी खाना ला कर डालना है, और शीप्स वाले में इसमें भी खाना ख़त्म है तो इनको भी खाना ला कर डालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस गाड़ी को तो यहीं छोड़ता हूँ, एक ट्रैक्टर ले लेता हूँ, ट्रैक्टर में शीप्स के लिए और पिग्स के लिए खाना ले आता हूँ। और यहाँ पे ट्रक खड़े हैं, ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर में सारे के सारे वहाँ पे लेके चला गया था अपने खेत वाले फार्म पे, वहाँ पे मैंने काफ़ी सही पार्किंग बना रखी है। और ये वाले ट्रैक्टर जो है खाली शॉप पीस के लिए हैं, ये चलते नहीं है इतने ज़्यादा, इनकी स्पीड भी बहुत कम है, ये 5 या 6 की स्पीड तक ही पहुँच पाते हैं। और ट्रैक्टर तो मुझे वहीं से लाना पड़ेगा, या फिर मैं जो है शोरूम से एक नया ट्रैक्टर परचेज कर लेता हूँ इधर के लिए। और शीप्स को तो मुझे घास डालनी है, और पिक्स के लिए जो है प्रॉपर आता है खाना, खाने के बैग आते हैं, वो चाहिए होंगे। और इन वाले काओबान्स में भी खाना चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है 3 काओबान है, तो इनमें से मैंने लास्ट टाइम खाना बिल्कुल फुल किया था, खाना होगा इसमें, ये यहाँ पर है, तो काओस का खाना है, ऑटोमेटिकली ये फीडिंग रोबोट इन्हें डाल रहा है। और ये वाली क्रेन के भी पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं हुए हैं पूरे के पूरे, ये वाली क्रेन जो है इसलिए यहीं पर मैंने पार्क कर रखी है। अभी जो है इसके यहाँ पे आगे अटैचमेंट आएगी, उसके बाद जो है इसे किसी यूज़ में ला सकता हूँ। और ये अपनी गाड़ियाँ कुछ यहाँ पे भी खड़ी हुई हैं, और ये जो है ये वाली बेल चल सकती है, इसको मैं शीप्स को डाल सकता हूँ। और ऐसा खाने का बैग आएगा पिक्स के लिए, ये पिक्स का खाना तो नहीं है, पिक्स के लिए लेना पड़ेगा। और एक ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर भी स्लो ही चलता है। वैसे तो ये वाली गाड़ी है, इस गाड़ी में मैं रख के ले जा सकता हूँ, बट जो वो पिक फूड का बैग है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, उसके लिए ट्रैक्टर में एक अटैचमेंट मुझे लेनी पड़ेगी, तो मैं एक ट्रैक्टर यहाँ पे ले ही लेता हूँ इधर के लिए। तो इधर के लिए जो है एक मीडियम साइज़ का ट्रैक्टर ले लेता हूँ। और ट्रैक्टर्स में जो है अभी तो ये सारे के सारे मेरे को पुराने वाले लग रहे हैं, कोई नया ट्रैक्टर यहाँ पे आया नहीं है। एक शायद ये लग रहा है, ये नया आया होगा, इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर चाहिए। यही मैं लेता हूँ JCB का ट्रैक्टर, ये ठीक है, 235 हॉर्स पावर का है। और इसमें बस आगे मेरे को अटैचमेंट का देखना है कि आगे इसमें अटैचमेंट लगेगी लगेगी, ये आ तो रही है ऑप्शन, ये आगे फ्रंट लोडर का मैं लगवा लिया, और उसको सीधा बाय कर लेता हूँ। इसके लिए फ्रंट लोडर लेना है, फ्रंट लोडर की जो अटैचमेंट है वो ये एक आती है बैग वाली, फ्रंट लोडर चल जाएगा ये वाला, इसे बाय कर लेता हूँ। और इसके लिए लेनी है एक अटैचमेंट, फ्रंट लोडर टूल्स के अंदर आएगी,
ये वाली है, इससे मैं दो दो बैग उठा सकता हूँ एक साथ। और अब पिक्स के लिए डायरेक्ट यहाँ से खाना भी ले लेता हूँ। ये है पिक फूड और इसके दो बैग मैं एक साथ ले आ सकता हूँ, तो दो बैग ले लेता हूँ। ये आ गया सारा सामान। ये ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में ये वाली अटैचमेंट लगानी पड़ेगी अभी, और फिर उस अटैचमेंट से ये वाली अटैचमेंट अटैच होएगी, और फिर पिक्स का फूड ये रखा हुआ सामने, ये उठा के लेके चलूँगा। पहले इसमें अटैचमेंट ऐड कर लूँ। तो ये ट्रैक्टर मैंने पहले भी यूज़ किया है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जैसा पहला ट्रैक्टर था वैसा का वैसा ही है। ये हो गई अटैचमेंट ऐड, बस इन दोनों बैग्स को ले दूँ। और अभी ट्रैक्टर जो है बिल्कुल नया है, तो बिल्कुल चमक रहा है, थोड़ा सा भी गंदा नहीं है। अभी थोड़ी देर में इसे मैं एक बार भी खेत में लेके तो सारा का सारा गंदा हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है मेरे पास पावर वॉशर है, उससे मैं जो है किसी भी व्हीकल को क्लीन कर सकता हूँ। दोनों बैग्स लग गए और ये उठा लिया आगे से, और बस अब अंदर का व्यू कर लेता हूँ। इससे थोड़ा दिख नहीं रहा अंदर का सही से, बाहर का व्यू ही करता हूँ। अब पिक्स को खाड़ डालने के लिए तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, इधर से रास्ता है। मैं थोड़ी जगह छोड़ी थी यहाँ से, इधर से ये ट्रैक्टर तो उतर जाएगा। वैसे सीधा है, थोड़ा उतार देता हूँ। हाँ उतर गया इजीली। और पिक्स का खाना डालने के लिए वैसे यहाँ पे नहीं है, हाँ इधर तो स्लरी का है और एनिमल्स परचेस करने का, खाना डालने का यहाँ पे है राइट साइड में। हाँ ये जान लग गया खाना इनका। चलो तो अभी तो काफ़ी सारा खाना डाल दिया पिक्स के लिए, पिक्स का तो काम हो गया, अब शीप का रह गया। और शीप का मुझे जो है दूसरी गाड़ी में उठा के लाना पड़ेगा। इस ट्रैक्टर को यहीं पे साइड में छोड़ देता हूँ, पिक्स के लिए आने के लिए तो मेरे पास दूसरा है। इनमें से कोई सी गाड़ी ले जाता हूँ, गाड़ी में भी आ सकता है शीप्स का। तो ऐसे ये पड़ी तो है बेल यहाँ पे, ये उठा के डाल के देख लेता हूँ। ये रहा शीप्स का खाना डालने का, इसको डाल के दो। हाँ ये आ तो गई, इसके चली गई, तो ठीक है अभी शीप्स का खाने का भी हो गया। और अभी एक बेल और पड़ी हुई है सामने, तो अभी उसे लगा डाल दूंगा बाद में। और अब एक बार चल के देख लेता हूँ बाहर, बाहर जो है हालत क्या है, अपनी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पार्क को रखी हैं। और अभी जो है यहाँ से एक गाड़ी लेनी पड़ेगी सामने, जो है अपनी टेस्ला खड़ी हुई है वो ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है। ये रही टेस्ला, इसको लेके चलता हूँ। और बैटरी तो उसकी अभी पूरी चार्ज नहीं है, बैटरी इसमें 80% के आसपास है, तो उसकी रेंज काफ़ी अच्छी खासी है, आराम से चल लेगी। और ये काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। सामने भी दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो भी अपना ही खेत है, ये खड़ी हुई दो गाड़ियाँ, इन्हें देख लेता हूँ। अच्छा ये तो अपनी BMW की SUV खड़ी हुई है, एक लैम्बोर्गिनी यहाँ पे खड़ी हुई है ये रही, तो इन्हें भी जो है अभी थोड़ी देर बाद पार्किंग में जाके पार्क कर दूँगा। और यहाँ से पहले चलता हूँ अपने फार्म के पास, वहाँ पर जो है काफ़ी सारा काम मैंने चालू कर रखा था जो बीच में छोड़ा हुआ है। उधर काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर वगैरह लगे हुए थे, अभी देखता हूँ वहाँ पे कितना काम पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे एक गाड़ी और खड़ी हुई है, ये अपनी दूसरी वाली लैम्बोर्गिनी यहाँ पे खड़ी हुई है। ये जगह जगह गाड़ियाँ मैंने छोड़ रखी हैं, और ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगे वाली है। अभी क्या करता हूँ, इस टेस्ला को यहीं पार्क करता हूँ, इस वाली लैम्बोर्गिनी को ले लेता हूँ। और यहाँ से लैम्बोर्गिनी को ले लेता हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी महंगी है, इसे लेके चलता हूँ। ये गाड़ी बढ़िया एकदम। और ये सामने अपनी पार्किंग आ गई फार्म वाली, और यहाँ पे एक से एक गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे जो है अपना मर्सिडीज़ का पिकअप ट्रक भी है, ये जीप भी है, रेंज रोवर है, ऑडी है, और ये वाली गाड़ी कौन सी थी, ये फोर्ड की जो है 429 ड्रैग है। और ये पुरानी जो है शेवरले की है, ये एक और जो है मर्सिडीज़ की जो है SUV है, इधर फरारी है, और रोल्स रॉयस है। और रोल्स रॉयस यहाँ पे दो पार्क हो रखी हैं, एक रोल्स रॉयस सामने भी है, और अपने ट्रक भी सारे यहीं पे पार्क हो रखे हैं, और इधर बाइक भी अपनी पार्क हो रखी है, और एक और फरारी है यहाँ पर। गाड़ी तो अपनी मेन जो है यहीं पर खड़ी है, और ये जीप खड़ी हुई है, और ये फोर्ड ब्रोंको खड़ी हुई है यहाँ पर।
ये बड़े वाला पिकअप ट्रक भी खड़ा हुआ है और ये फोर्ड का पिकअप ट्रक भी यहीं पे है। और तो सारी अपनी मेन गाड़ियाँ तो इस वाले फार्म पे ही हैं और टेस्ला का ट्रक भी यहीं पे है। और ये मैंने यहाँ पे बड़े वाला मुर्गियों के लिए बनाया था, इसमें 5000 मुर्गियों की कैपेसिटी है। और अभी इसके अंदर देखता हूँ, इसके अंदर ये रही मुर्गियाँ, ये भी ठीक है अभी। और अंडे वगैरह दिए हैं या नहीं दिए? इन्होंने अंडे अभी भी नहीं दिए, इनके साथ खाने वगैरह का मुझे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे खेतों की हालत क्या है वो भी देख लूँ। ये खेत सारे के सारे अपने हैं, वैसे खेतों का काम तो जो है कंप्लीट हो रखा है, इनमें सीड्स वगैरह लगा रखे हैं। तो यहाँ पे जो काम मैं कर रहा था वो तो कंप्लीट हो गया है, वो सामने वाले खेत में भी सीड्स वगैरह लगे हुए हैं। अब बस वेट करना है यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो होने का और फिर यहाँ पे प्रॉपर हार्वेस्टिंग वगैरह करेंगे। और अभी तो जो है इनमें से कौन सी गाड़ी चूज़ करूँ, जो सारी की सारी गाड़ी बढ़िया है। तो सबसे ज़्यादा वैसे सही तो मेरे को ये रोल्स रॉयस ही लग रही है, इसको ले चलता हूँ। और उसकी हालत क्या हो रखी है पूरी मिट्टी में। अभी शोरूम पे चलना है, शोरूम पे चल के एक दो गाड़ी परचेज करनी है। नहीं ये सही है, यहाँ तक जो है 150 पर पहुँच गई। इसको यहाँ ही छोड़ता हूँ और इसको वैसे प्रॉपर वॉश भी करना पड़ेगा, इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। और अब यहाँ से जो है एक दो नई गाड़ी देख लेता हूँ, काफ़ी सारी नई गाड़ियाँ आई हैं। तो नई गाड़ियों में तो ये तो सारी पुरानी है। और यहाँ पे अभी जो नई गाड़ी आई है, एक तो ये सुजुकी साइड की का ही है, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही है। और ये डोज की वाइपर है और वैसे ये पोंटियाक, ये भी नई ही है। एक ये BMW की 3 सीरीज़ आई है टूरिंग वाली। और ये निशान फेयर लेडी जी, ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही है। और एक ये हेलोविन वाली गाड़ी आई है, ये तो ले ही लेता हूँ। में कलर की ऑप्शन है, कलर चेंज हो सकता है। और रिम्स का कलर, टायर्स का कलर, ऐसे ही ठीक लग रही है। और एक ये फोर्ड की मस्टैंग आई है और ये इलेक्ट्रिक वाली है, ये मैकी है 2022, ये लेटेस्ट वाला एडिशन है। और इसमें जो है पीछे अटैचमेंट की ऑप्शन है, हाँ ये लगवा लेता हूँ, ये सही है। इसे ट्रॉली वगैरह खींचने के काम में भी मैं इसको ले सकता हूँ। और उसका कलर मैं चेंज करके कर लेता हूँ, ग्रे कलर तो इतना सही नहीं लग रहा है। इस पर मैं कर सकता हूँ ये JCB वाला कलर, ये भी ठीक नहीं है। ये रेड ठीक लग रहा है, रेड रेड पे ले लेता हूँ उसको। और एक ये विंटेज कार आई है फोर्ड की मॉडल टी, ये बाद में लूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसको बाद में लेके जाऊँगा। और इसमें जो है ये दूसरी एडिशन भी आई है, ये विंटेज वाली है। ये विंटेज वाली कार्स मैं एक दिन जो है परचेज करूँगा पूरी अलग से। ये भी विंटेज वाली है, ये मेबैक आई है पुलमैन S650 और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ये तो ले ही लेता हूँ। इसका कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर मैं जो है इसको ब्लैक में, नहीं ब्लैक में भी सही नहीं है ये, नहीं ये नो, ये जो है वाइट में ठीक लग रही थी, वाइट में ले लेता हूँ। और ये तो पहले से आई हुई है, मैंने दूसरे फार्म पे ली हुई है। और एक ये वाली है, ये भी पहले से ही है, मर्सिडीज़ का ट्रक भी, पिकअप ट्रक भी पहले से था। ये ML 350 आई है, ये भी बाद में ही लूँगा। और ये एक बस और आ गई है, पहले एक बस मैंने ली थी, ये पैसेंजर वाली बस है। ये बस भी जो है अभी परचेज़ नहीं करनी, अभी कोई गाड़ी देख रहा हूँ मैं, कोई गाड़ी डंकी मिल जाए। ये स्नो वॉल 500 आ चुकी है स्नो में चलाने के लिए, बट अभी अपने इस वाले फार्म पे स्नो तो गिरती ही नहीं है। तो एक दूसरा वाला फार्म है अपना जो UK वाला है, वहाँ पर स्नो गिरती है, तो मैं वहाँ पर इसे परचेज़ करके स्नो में चला सकता हूँ, तो उसको वहाँ पर ले लूँगा। बाकी ये वोल्वो V60 आई है, इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, इसको भी जो है मैं कर देता हूँ, इसको वाइट में कर देता हूँ, वाइट में ठीक रहेगी अभी। और इसमें भी जो है अटैचर लगवा लिया पीछे। और लाइट्स कहाँ हैं, ये एक लाइट ऊपर आती है, ये किस लिए है, ये लाइट की ज़रूरत तो नहीं है, बिना लाइट के ले लेता हूँ इसको। बाकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ और भी हैं, अभी एक एक करके लूँगा। ये वोल्सवैगन वगैरह की भी आई हैं, क्योंकि इतनी सारी गाड़ी को भी फार्म पर भी पहुँचाना है, और अभी ज़रूरत भी नहीं है, एक एक करके चला के देखूँगा, उसके बाद जो है ले लूँगा। अभी जितनी गाड़ी आई हैं इन्हीं को देख लेता हूँ। ये तो वोल्वो आई है, ये काफ़ी सही लग रही है। और जो सबसे लंबी वाली गाड़ी है ये मर्सिडीज़ की, ये वाली, इसका कलर अच्छा दूर से देखने में थोड़ा डिफरेंस लग रहा था, बट ठीक है ये। और ये वाली है हेलोविन वाली गाड़ी, और इसके अंदर से देखूँ एक बार, अंदर से क्या है, अंदर से तो पूरा पम्पकिन है, अंदर से तो कुछ दिख ही नहीं, इंटीरियर कुछ है ही नहीं। और उसके अंदर से देखना भी जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा सा ही दिख रहा है। इसकी स्पीड तो अच्छी है, ये बाहर से ही चलाई जाएगी, अंदर से तो नहीं चल पाएगी। सही है हैंडलिंग वगैरह तो इसकी,
और इसके अलावा ये वाली गाड़ी ले चलता हूँ फार्म पे अभी। इसके अंदर से देखूँ पीछे कितने, पीछे का बंद है, पीछे का दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पे खाली ड्राइवर बन के चलानी पड़ेगी। आगे से तो डैशबोर्ड वगैरह ठीक लग रहे हैं, पीछे बैठने की ऑप्शन नहीं है क्या? पीछे बैठने की ऑप्शन ही नहीं है, देखूँगा पीछे कैसे जाना है। पीछे इसमें काफ़ी ज़्यादा सही होगा, मैं शीशे में से देख लेता हूँ, शीशे में दिख रहा है, शीशे में से भी दिख रहा है, शीशे इसके बिल्कुल जो है काले हैं। अभी जो है इसको ऐसे ही चला के ले चलता हूँ, इसको फार्म पे पहुँचा के आता हूँ एक बार। और इसको तो जो है रोड से लेना पड़ेगा, ऐसा तो जा नहीं पाएगी क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है, ये अटक जाएगी कहीं ना कहीं। और इसको तो मुड़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए, मुड़ गई इजीली, अपने यहाँ पे रोड जो है काफ़ी अच्छे खासे हैं। बस इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, बाद में इन्हें पार्किंग में लगा दूंगा। और अपनी एक ही वाली गाड़ी पलटी हुई है, इसको भी सीधा कर दूँ। मैं ट्रैक्टर तो ले ही आया था, उस ट्रैक्टर में आगे अटैचमेंट भी है, इससे सीधा हो जाएगा, हो गई सीधी, तो इससे काम बन गया अपना। बस इस गाड़ी को साइड में पार्क कर देता हूँ। ये एक कबाड़ से बनाई हुई गाड़ी है, इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा धुआं छोड़ती है। और एक गाड़ी और ले आता हूँ वहाँ से अभी, ये वाली पहले इलेक्ट्रिक वाली चलता हूँ, ये इलेक्ट्रिक वाली ठीक है, ये लेटेस्ट मॉडल है बिल्कुल एकदम, और इसकी आवाज़ तो कुछ आएगी ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक है। इंटीरियर इसका जो है काफ़ी सही है, ऊपर रूफ जो है पूरी ग्लास की है, और रेंज दिखाया सामने 157 माइल्स की रेंज है, स्पीड काफ़ी कम है इसकी, टॉप स्पीड 120 की है बस, हैवी है स्लो, इतनी फास्ट नहीं चल रही, वो वाली फास्ट चलती है अपनी टेस्ला की। यहीं से इधर से रास्ता है, यहाँ से पर जगह नहीं है, ऐसे बीच से जगह तो है, निकल जाएगी यहाँ से। पहुँच गई ये भी, और अब और ले आता हूँ गाड़ी, और दो गाड़ी और आ गई वहाँ पे, ये वोलो वाली है, ये भी ठीक है, इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है, उसका पिकअप भी काफ़ी सही है। यहाँ से रास्ता है, इधर से ले लेता हूँ, ये तो अपनी नई गाड़ी आ चुकी है। एक रोल्स रॉयस का और ले आता हूँ इधर, उसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी कर रखी है, ये पावर वॉशर है, इससे साफ़ कर दूंगा। ये रही अपनी रोल्स रॉयस, और इसे लेके चलता हूँ यहाँ से निकाल के, इसको काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया है, और इसको मैंने खेतों में चलाया था, और ये तो जो है इधर से निकल जाएगी सीधा। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, और इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, ये बिल्कुल नॉर्मल हाइट है, ये ऊँची हो गई तो ये ईजिली निकल जाती है यहाँ से। बस इधर ही ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ, हो गई साफ सारी सारी, अब तो कहीं से गंदी नहीं रही, हाँ हो गई, बस इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। ये वाली रोल्स रॉयस बिल्कुल साफ़ हो गई, इसे अब जो है पार्किंग में पार्क कर दूंगा इधर। और वैसे तो जो है अपनी ज़्यादातर गाड़ियाँ साफ़ ही हैं, बस कुछ गाड़ियाँ जो खेत वाली पार्किंग में है वो गंदी है, उन्हें ला के यहाँ साफ़ करना पड़ेगा। वैसे वहाँ पे भी एक पावर वॉशर लगा दूंगा, उधर ही साफ़ कर लूँगा उन्हें। बाकी अभी सब सामान जगह जगह फैला हुआ है, मतलब कुछ गाड़ियाँ कहीं पे हैं, कुछ ट्रैक्टर कहीं पे हैं, उन्हें प्रॉपर ला के पार्किंग में पार्क करना है। और नेक्स्ट वीडियो तक यहाँ पर जो है फसल भी ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, और मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले इलाके में जितने भी खेत हैं सारे के सारे परचेज कर लूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी बैलेंस 80 मिलियन यूरो से भी ज़्यादा है, तो मैं सारे खेत ऑलमोस्ट परचेज कर सकता हूँ। तो अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो से यहाँ पर सारे खेत परचेज करना शुरू करूँगा, और जितने भी खेत हैं इस इलाके में सारे के सारे परचेज कर लूँगा, और सब में इकट्ठी फार्मिंग करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।